शुभारंभ बीजेपी नेता सौरभ चौहान ने फीता काटकर किया है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नगला जिला में स्वर्गीय गौरव चौहान स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। शुरू हुए इस क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारम्भ पूर्व सदर विधायक के पुत्र सौरभ चौहान ने फीता काटकर किया है। लगातार यह टूर्नामेंट 15 दिनों तक खेला जाएगा जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया है। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि की भूमिका में सौरभ चौहान ने खिलाड़ियों से परिचय भी प्राप्त किया है। वहीं बीजेपी नेता सौरभ चौहान ने खिलाड़ियों को बताया कि खेल भावना के साथ खेलना चाहिए, हार जीत तो चलती रहती है। आप सभी लोगों से हमारा यही कहना है कि आप लोग बहुत बड़े क्रिकेटर बने और अपने जिले का नाम रोशन करें। चौहान स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है, उसका ये दूसरा संस्करण है। हमारा एक युवा क्रिकेटर हमारे गांव का था गौरव चौहान, जो कि एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे, उन्हीं के नाम पे हम लोग ये टूर्नामेंट हर साल कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसका ये दूसरा संस्करण खेला जा रहा है। किसने इसका उद्घाटन किया है? हमारे पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान के पुत्र युवा नेता सौरभ चौहान द्वारा ये उद्घाटन किया गया है टूर्नामेंट का। कितने दिन चलेगा ये टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट हमारा 15 दिन तक खेला जाएगा, इसमें कि 16 टीमों ने भाग लिया है। नॉकआउट टूर्नामेंट है,